गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आवर प्रीवियस क्लास दैट इज आवर लास्ट क्लास वी हैव कंप्लीटेड ए चैप्टर दैट इज चैप्टर नंबर 9 एंड नेम ऑफ दैट चैप्टर दैट इज सॉलिड लिक्विड एंड गैस। सो ऑन दैट क्लास वी हैव डिस्कस्ड द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड liquid and gas, and also on that chapter we have learned why solid call as solid, why liquid call as liquid, and why gas call as gas. Okay, so student, today we are going to start a new topic, new chapter, that is chapter number 10, and name of chapter that is force, work and energy. So especially this chapter belongs to your physics part. Okay, so in this lesson, in this chapter, we will learn what is the definition of force, what are the main properties of force, what is work, what is energy, what are the definition of work and what is the definition of energy. ये सब को हम discussion करेंगे, ठीक है? So, the first topic of this chapter, that is force. Force. Force, work and energy. ये तीन topic है. ये तीन topics में से पहला topic होता है force. तो force क्या होता है उसको हम पहले जानते हैं कि किसको force कहते हैं, कहाँ कहाँ पर force लगता है उसके बारे में जानेंगे. So, before इस chapter ये जो topic है force इसको start करेंगे तो कुछ इसका important definition जान लेते हैं. अगर कुछ ना आप मोबाइल में जाओगे तो इसका आपको डेफिनेशन मिल जाएगा, बुक में भी एक डेफिनेशन दिया गया है, बहुत सारे डेफिनेशन है, लेकिन सभी डेफिनेशन का मीनिंग एक ही होता है. सो लेट अस नो व्हाट आर द डेफिनेशन ऑफ फोर्स. देयर इज अ डेफिनेशन, फर्स्ट दिस वन, एनर्जी सच एज ए पुश और ए पुल दैट चेंजेस द मोशन और शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट. द डेफिनेशन ऑफ force, that is force is a energy, force is a energy such as a push or pull that changes the motion or shape of an object. This is the first definition of force. There is another definition for force, that is a force is a push or pull an object resulting from the object's interaction with the another object. Okay, again repeat this one. A force is a push or pull an object resulting from the object's interaction with another object. Okay, so now let us know the another definition of force, the last one, and it is given in your book. So let us know, force is a defined as a push or pull that may bring the following changes when applied on a body. Force is defined as a push or pull that may bring the following changes when applied on a body. So these are the important definition of force. Okay, so first of all, पहले discussion करते हैं इसका meaning क्या होता है. ये जो definition होता है इसका meaning क्या होता है, ठीक है? Energy such as a push or pull that changes the motion or shape of object. So let इसको discussion करते हैं पहले. अब push क्या होता है, पुल क्या होता है, इसको जान लेते हैं, ठीक है? सपोज ओके, यहां पर देखो एक वुड का ब्लॉक है, वुड का ब्लॉक है, मैं इसको अभी क्या करूंगा, इस तरह ठेलूंगा, इसको बोलते हैं पुश, ठेलने को ही पुश बोलते हैं. अब इसको फिर से इसको खींचूंगा इस तरह, खींचना को ही बोलते हैं पुल. इसको पुश, इसको मैं ठेल रहा हूं तो ये मतलब पुशिंग है, पुश. इसको जब मैं खींच रहा हूं इसको बोलते हैं पुलिंग और पुल, खींचना को पुलिंग, ठेलना को पुशिंग. किसी इसको आप ठेल रहे हो, इसे ठेलोगे तो पुशिंग है, इसको खींचोगे तो पुलिंग है. सो अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन व्हाट इज फोर्स, फोर्स मींस इट इज जस्ट ए पुल और ए पुश दैट चेंज द मोशन ऑफ शेप ऑफ ऑब्जेक्ट. ये क्या है, एक पुश है और पुल,
मतलब किसी को ठेलना और किसी को खींचना, किसी भी ऑब्जेक्ट को खींचना या ठेलने से, किसी भी ऑब्जेक्ट को ठेलने से या खींचने से उसमें जो चेंजेस आता है उसके मोशन में, उसके शेप में, उसी चीज को बोलते हैं फोर्स। किसी चीज को हम ठेलते हैं या पुश कर, किसी भी चीज को हम ठेलते हैं, पुश करते हैं या खींचते हैं, पुलिंग करते हैं, जिससे क्या होगा उसमें कुछ मोशन होगा, उसका शेप है वो चेंजेस हो जाएगा, तब उस पुलिंग या पुशिंग को क्या बोलेंगे, फोर्स बोलेंगे। नाउ देयर इज अनदर डेफिनेशन, ए फोर्स इज ए पुश और पुल एन ऑब्जेक्ट रिजल्टिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट इज इंटरेक्शन विद अनदर ऑब्जेक्ट। क्या करते हैं जब कोई भी चीज को हम पुश करते हैं, सपोज ये पुश किया या फिर इसको खींचा, मतलब पुलिंग किया, खींचने को पुल बोलते हैं और ठेलने को पुश बोलते हैं। तो किसी चीज को मैं खींच रहा हूं या किसी चीज को मैं पुश कर रहा हूं, मतलब यहां पर मैं क्या, इस दीवार के साथ मेरा हाथ टच हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है, इस वॉल के साथ मेरा हाथ क्या हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है, दोनों एक साथ क्या कर रहे हैं, टच हो रहे हैं, दोनों टच होने से दोनों में एक काम हो रहा है, दोनों के बीच में एक इंटरेक्शन हो रहा है, जिससे उनका कुछ शेप चेंज होगा या उसमें कुछ चेंजेस आएगा। ठीक है, तो फोर्स क्या होता है, फोर्स वही है, इट इज जस्ट ए पुशिंग और पुलिंग, इट इज जस्ट ए पुशिंग और पुलिंग, किसी चीज को पुश करना या पुल करना जिसकी वजह से उस ऑब्जेक्ट में कुछ चेंजेस होगा, उसमें कुछ मोशन होगा, मतलब मूव करेगा वो, तो उसको बोलेंगे फोर्स। ओके, नाउ अनदर वे फोर्स इज डिफाइंड एज द पुश और पुल दैट मे ब्रिंग द फॉलोइंग चेंजेस व्हेन अप्लाइड ऑन। तो ये बाद में है। सो अभी देखो, यहां पर देखो ये स्टिक है, स्टिक को मैंने इस पॉइंट पर से मारा, तो देखो मूव, ये मोशन कर रहा है कि नहीं, हिल रहा है, हिल रहा है मतलब क्या, मोशन कर रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है, अभी देखो ये वुड ब्लॉक हो, मैं ऐसे झूला रहा हूं, इस तरह कर रहा हूं, तो एक जगह से दूसरे जगह मूव कर रहा है, क्यों, मैं इसमें थोड़ा देखो इधर से कर रहा हूँ पुश कर रहा हूँ, फिर इधर से पुश कर रहा हूँ, इधर पुश करता हूँ, फिर से पुल करता हूँ, फिर पुश कर रहा हूँ, देखो पुश करा पुल किया, पुश किया पुल किया, तो पुश पुश और पुलिंग करने से क्या होता है, इसमें मूव हो रहा है, ये वुड ब्लॉक क्या हो रहा है, मूव कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह, तो इसी को ये पुश पुश और जो पुलिंग है इसी को ही फोर्स बोलते हैं। तो आप कभी भी कंफ्यूज मत होना कि फोर्स क्या होता है, फोर्स मतलब किसी भी चीज में हम जब किसी भी चीज को पुश करते हैं या किसी भी चीज को हम पुलिंग करते हैं, खींचते हैं, तो उसमें कुछ चेंजेस होगा, उसमें कुछ वो मूव करेगा, वो उसमें उसका बॉडी का शेप में कुछ चेंजेस होगा, तो उसको हम बोलेंगे फोर्स। किसको, उस पुशिंग को, पुश करने को ही फोर्स बोलाता है, वो खींचने को ही फोर्स बोलाता है, किसी को ठेलना या किसी को खींचना जिसकी वजह से उसमें कुछ चेंजेस आएगा, वो कुछ मोमेंट करेगा, उसी को बोलते हैं फोर्स। किसी को ठेलने को या किसी को खींचने को ही हम फोर्स बोलते हैं। किसी को भी खींचना या किसी को भी पुल करना, किसी को ठेलना या किसी को खींचना जिसकी वजह से उसमें, जिसको हम खींचते हैं या जिसको हम पुश करते हैं, उसमें कुछ चेंजेस होगा, वो मूव करेगा या उसका बॉडी में कुछ शेप होगा, चेंजेस होगा, तो उसको हम फोर्स बोलेंगे। दैट्स इट। ओके, ओके, सो स्टूडेंट लेट अस नो कि जब किसी भी चीज में फोर्स अप्लाई होता है, पुश करते हैं उसे भी फोर्स बोलते हैं, किसी को पुल करना खींचना उसको भी फोर्स बोलते हैं, किसी को पुश करना ठेलना वो भी फोर्स है, किसी को खींचना उसको भी फोर्स बोलते हैं। सो पुश पुलिंग, पुशिंग एंड पुलिंग, तो किसी भी चीज में जब पुश करेंगे या फिर पुल करेंगे तो क्या होता है, सपोज ये देखो एक चाकू है, निफ, अभी देखो ये क्या है, रेस्ट में है, मूव नहीं कर रहा जैसे कोई से है। ठीक है, सो फर्स्ट पॉइंट दैट इज इट मे मूव ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, इट मे मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वन, इस मीनिंग ऑफ दिस वन दैट इज ये क्या कहता है, कोई भी चीज रेस्ट है मतलब सिर्फ खड़ा सीधा स्ट्रेट, मतलब मूव नहीं कर रहा, एक जगह से दूसरे जगह नहीं जा रहा है, उसका पोजिशन चेंज नहीं हो रहा है, उसी को बोलते हैं, कोई भी चीज जब एक ही जगह में फिक्स्ड जगह में रहता है, उसका पोजीशन चेंज नहीं होता है, तो उसको बोलते हैं स्टेशनरी ऑब्जेक्ट या स्टेशनरी मटेरियल। जैसे कि यहां पर देखो इस लीफ, इसका
प्लेस चेंज नहीं हो रहा है, यहीं पर इसका प्लेस, इसका पोजिशन चेंज नहीं हो रहा है, तो ये अभी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, तो हम फोर्स से इसको हम चेंज कर सकते हैं, इसका इसको मूविंग करा सकते हैं। देखो मूव किया कि नहीं, मैं फोर्स दिया, पुश किया इसको, पुश कर रहा हूं, मूव कर रहा है, देखो फिर पुश दिया, मूव किया, एक जगह से जा रहा है, देखो उधर से फिर से जा रहा है, आ रहा है। मतलब कोई भी चीज जब रेस्ट में है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, मतलब एक जगह में फिक्स जगह में है, तब फोर्स देके उसको मूव करवा सकते हो, एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हो, इस तरह देखो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, इट मे चेंज द स्पीड ऑफ द मूविंग बॉडी। कोई भी चीज जब मूव कर रहा है उसका स्पीड को चेंज कर सकता है। अभी देखो ये आपका, मैं ये मूव किया, मैं इसका स्पीड को और बढ़ा सकता हूँ, फोर्स देखिए, देखो और स्पीड कर दूंगा, और स्पीड कर दूंगा इसको, और स्पीड, और ज्यादा स्पीड हो गया, और ज्यादा स्पीड हो गया, देखो अब ये स्लो हो रहा है, स्लो हो रहा है, मैं फिर ज्यादा फोर्स दूंगा, फिर इसका स्पीड बढ़ गया, देखो अभी और ज्यादा फोर्स दूंगा तो स्पीड बढ़ गया, देखो स्पीड बढ़ गया। मतलब कोई भी चीज में अगर फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसका स्पीड को भी हम बढ़ा सकते हैं, फोर्स अप्लाई करके जितना स्पीड है उसका स्पीड को बढ़ा भी सकते हैं, उसका स्पीड को कम भी कर सकते हैं फोर्स अप्लाई करके। नाउ अनदर वन, इट मे चेंज द शेप एंड साइज ऑफ बॉडी। अब फोर्स से किसी भी चीज का शेप और साइज को चेंज कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये देखो, ये आपका पेपर है, ओके कॉपी का पेपर है, इसका शेप ऐसे है, रेक्टेंगुलर है, ठीक है, रेक्टेंगुलर फिगर का है, देखो ये रेक्टेंगुलर फिगर का इस तरह का इसका शेप है, मैं इसमें फोर्स अप्लाई करूंगा, फोर्स अप्लाई किया, देखो फोर्स अप्लाई किया, अब देखो इसका शेप इस तरह हो गया, हो गया नहीं। मतलब हम फोर्स अप्लाई करके किसी भी चीज का शेप को चेंज कर सकते हैं, उसका फिगर को चेंज कर सकते हैं फोर्स अप्लाई करके। ओके नाउ लास्ट वन इज, इट मे चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग बॉडी। ओके सो हम फोर्स अप्लाई करके किसी भी मूविंग बॉडी का डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। देखो ये मूव कर रहा है, अभी इधर इधर मूव करेगा, देखो मूव कर रहा है, इधर इधर जा रहा है, इधर इधर मैं इसको इधर इधर डायरेक्शन चेंज कर दूंगा, जा रहा है इधर, मैं देखो ऐसे कर दिया, फिर से इसका डायरेक्शन चेंज कर दिया, इधर जा रहा है, फिर से इसका डायरेक्शन चेंज कर दिया। मतलब उसका डायरेक्शन भी हम चेंज कर सकते हैं, फोर्स अप्लाई करके किसी भी मूविंग बॉडी का जो डायरेक्शन उसको भी चेंज कर सकते हैं। सो बाय अप्लाइंग फोर्स वी कैन चेंज फॉलोइंग थिंग्स। ओके we can move a stationary object by applying force, okay we can change the speed of moving body by applying force, okay we can change the shape and size of a object by applying force, and last one is we can change the direction of moving body by applying force. So by applying force we can do following things, bhai very easy. Okay so student, this is all about force, and our next class we will continue this topic again. Okay and student, if any doubt regarding this topic, today's topic, then call me, send me messages.